एवरीबॉडी, दिस इज ट्रैवल इन्फो और मैं हूँ इकबाल खान और मैं हूँ नादिया खान। व्यूअर्स, काफ़ी दिनों बाद आपसे मुलाकात हो रही है। रेस कोर्स से वॉक करके निकले थे और डी सॉम में सर्विसेज बैस से एक छोटा सा काम था, एक छोटे से फंक्शन के लिए बुकिंग करवानी थी, तो मैंने सोचा कि रस्ते में कुछ कैंट एरिए के व्यूज़ भी आपको दिखा देंगे और आपसे गुफ्तगू भी हो जाए। और मैं जो सब्जेक्ट मेरे जहन में आ रहा है वो ये है कि हेल्थ के हवाले से, यानी सेहत के हवाले से आपके साथ कुछ गुफ्तगू की जाए। बहनों और भाइयों, मैं ये समझता हूँ कि दुनिया में सेहत जो है वो इंसान के लिए सबसे बड़ी नेमत है, और अगर सेहत है इंसान की तो ज़िंदगी का मज़ा आता है। आप भरपूर ज़िंदगी जो है वो सेहत के साथ ही गुजार सकते हैं। अगर आपकी सेहत ठीक ना हो तो चाहे आपके पास करोड़ों अरबों रुपए हो, आपके पास कई किनालों का घर हो, बड़ी गाड़ी मोटर हो, लेकिन आप ज़िंदगी को उस तरीके से इंजॉय नहीं कर सकते जितना कि किसी गांव में रहने वाला एक ऐसा आदमी जो सेहतमंद है, चाहे उसके पास वसाइल की कितनी शदीद कमी क्यों ना हो, लेकिन वो सेहतमंद है और वो अपनी मर्ज़ी से सो सकता है, अपनी मर्ज़ी से जो चाहे खा सकता है। तो सेहत के हवाले से मैंने सोचा कि आपके साथ कुछ गुफ्तगू करेंगे। आदिया, ये ठीक है ना जी सब्जेक्ट सेहत का? हाँ जी, बिल्कुल सही है। तो सेहत के हवाले से दो तीन चीज़ें जो यानी आप ये समझे वो रेजिमेंट्स जो मैंने खुद सारी ज़िंदगी फॉलो की है, और इसके लिए मैं शुक्रगुजार हूँ जो मेरी आर्मी लाइफ थी कि उन्होंने, फौज ने हमें ट्रेन किया, और सेहत की जो एक अहमियत है वो हमेशा फौज की बदौलत जो है वो जहन में उजागर रही। सेहत में एक जो सबसे अहम बात है वो तो ये है कि जी आप एक एक्टिव ज़िंदगी गुजारें। एक्टिव ज़िंदगी कहने को मतलब ये कि जी आप यानी जो सिडेंट्री लाइफस्टाइल है उससे निकलें, काउच पोटैटो ना बने, चलते फिरते रहें, ज़िंदगी के को मंसूबे बना के रखें, उन पे काम करें। आपके प्लान्स होने चाहिए, आपके एम्बिशंस होने चाहिए, जो कि हर उम्र के लिहाज से होते हैं, आपकी एज के लिहाज से होंगे, आपके वसाइल के लिहाज से होंगे, आपकी एजुकेशन के लिहाज से होंगे। तो आपके पास एक तो यानी जो लाइफ में एक्टिविटी है, जो प्रोडक्टिव एक्टिविटी है, उसका कोई मंसूबा होना चाहिए, यानी आप काम करते हुए अपनी ज़िंदगी गुजारें, आप कुछ प्रोड्यूस करते हुए अपनी ज़िंदगी गुजारें। और प्रोड्यूस करने से मुराद ये है कि अगर आप जिस भी फील्ड में हैं उसमें प्रोडक्टिव रहें, अपने लिए, अपने एम्प्लॉयर्स या अपने बिजनेस के लिए, अपनी फैमिलीज के लिए, अपनी कम्युनिटी के लिए आप एक्टिव रहें और इफेक्टिव रहें और प्रोडक्टिव रहें। सेकंड जो चीज़ है वो ये है कि जी अपनी आप खुराक पे तवज्जो दें। खुराक पे तवज्जो देने से मुराद ये है कि आप वो चीज़ें खाएं जो हेल्थ को प्रमोट करने वाली हैं, और वो चीज़ें जो हेल्थ को ख़राब करने वाली हैं, सेहत को बर्बाद करने वाली हैं, उनसे बचें। और आजकल ये नॉलेज आम है कि जी कौन सी चीज़ें जो हैं वो हेल्थ को प्रमोट करती हैं और कौन सी चीज़ें हेल्थ को ख़राब करती हैं। मिसाल के तौर पर अगर आप हेल्थी प्रोटीन्स खाते हैं, हेल्थी सब्जियां, वेजिटेबल्स और फ्रूट्स लेते हैं तो आपकी सेहत ठीक रहती है, और अगर इसकी बजाय आप चीनी या शक्कर से बनी हुई बहुत सारी चीज़ें खाते हैं तो वो आपकी सेहत को ख़राब करती हैं। मीठा हर आदमी का खाने को दिल करता है, लेकिन आप बहुत ज़्यादा मीठे से परहेज़ करें। और इसी तरह वो चीज़ें जो आपकी सेहत को बर्बाद करने वाली, जैसे कि नारकोटिक्स हैं, जैसे कि मंशियात हैं, अल्लाह सबको महफूज रखे मंशियात से, इनके साथ आपकी बॉडी पे बहुत ख़राब होते हैं। सिगरेट नोशी से परहेज़ करें। मैंने कुछ अर्सा सिगरेट पिए और मैं आपको बता सकता हूँ कि सिगरेट आपके स्टेमिना को, आपकी हेल्थ को बहुत बुरे तरीके से जो है वो इफ़ेक्ट करती है, बर्बाद करती है। तो सिगरेट नोशी से आप बचें। इसी तरह बाकी मंशियात जो है, जैसा कि अल्लाह माफ़ करे शराब नोशी है, जैसा कि अल्लाह माफ़ करे मंशियात है, चर्स है, गांजा है,
हेरोइन है, कोकेन है, इस सबसे जो है वो आप अल्लाह पाक आपको महफूज। तो मैं ये कह रहा था कि आप मंशियात और सेहत को बर्बाद करने वाली जो चीज़ें हैं और इवन वो गजाएं जो सेहत को ख़राब करने वाली हैं उनसे बचें। हमारी जो बॉडी है, जो हमारा जिस्म है, वो हमारे पास अल्लाह ताला की अमानत है और उस अमानत का तहफ़्फ़ुज़ करना हमारे ज़िम्मे है। हमारे जिस्म के हम पर हकूक हैं और शायद अगर आप जो मैं समझता हूँ जहाँ तक हमारे दीन में भी जो है वो खाने पीने पे और अच्छी खुराक खाने पे जोर दिया गया है और बुरी खुराक और बुरी चीज़ों से जो सेहत को ख़राब करने वाली हैं उनसे बचने का हुक्म दिया गया है। तो ये दूसरी चीज़ है। तीसरी चीज़ ये है कि जी आप एक्सरसाइज करें। एक्सरसाइज में ये है कि जी आप अपनी एज और अपनी माहौल के हिसाब से एक्सरसाइज पे तवज्जो दें। यानी आप वॉक करें, जॉगिंग करें और स्विमिंग करें, वो एक्टिविटीज़ जो हेल्थ को प्रमोट करने वाली हैं उनमें हिस्सा लें। अपनी कम्युनिटी में अगर आपके यहाँ कोई गेम्स हैं उसमें पार्टिसिपेट करें। जो भी गेम आपको पसंद है, अगर आप क्रिकेट खेलना पसंद करते हैं या हॉकी खेलना पसंद करते हैं, टेबल टेनिस, स्क्वाश, जो भी आप खेलना पसंद करते हैं उसमें हिस्सा लें और वो खेलें या वो गेम्स जो हैं उनमें हिस्सा लें जिसमें आपके जिस्म की एक्सरसाइज हो। तो ख़ास तौर पर वॉक जो है वो मॉर्निंग में हो या आफ्टरनून में हो या इवनिंग में हो, वो बहुत यूज़फुल एक्टिविटी है क्योंकि वॉक और जॉगिंग के नतीजे में आपकी बॉडी के पूरे मसल जो हैं वो एक्सरसाइज होते हैं और आपके जो ब्लड की सर्कुलेशन है वो बढ़ जाती है और उसके नतीजे में बॉडी के तमाम सेल्स तक जो है वो ब्लड की सप्लाई जाती है और आपकी सेहत को इम्प्रूव करती है, आपके जिस्म की क्लिनजिंग होती है। और इसके अलावा एक चीज़ जो है वो ये कि पानी बहुत ज़्यादा पिए। पानी का इस्तेमाल जो है वो कसरत से करें और क्योंकि ह्यूमन बॉडी जो है वो कहते हैं 2/3 जो है वो वाटर है और वाटर की सप्लाई जो है, पानी की सप्लाई जो है आपके जिस्म को वो रेगुलर होनी चाहिए। अच्छा मियां इकबाल साहब, आपसे एक क्वेश्चन है कि क्या वाकई जो टेंशन है जो आजकल सुनने में आ रहा है कि एक छोटे से छोटा बच्चा, एक टीनएजर्स, बड़े जो बेचारे आजकल कमा रहे हैं, जो घर में रहने वाली लेडीज हैं, ये सारे लोग जो टेंशन लेते हैं, तो क्या ये जो टेंशन है ये आपकी बॉडी पे असरअंदाज होती है, आपकी फिजिकल हेल्थ को ये मतलब मुतासर करती है? देखिए नादिया, बात यह है कि जी मैं कोई डॉक्टर तो नहीं हूँ लेकिन मुझे इस बात का इल्म है कि अगर हम स्ट्रेस लेते हैं तो हमारी बॉडी पे बहुत स्ट्रेस या एंजाइटी में रहते हैं, बिला वजह हम थककर या परेशान रहते हैं तो हमारी बॉडी पे बहुत नेगेटिव असरात होते हैं। और अब तो वो कह रहे हैं, मतलब साइंस में ये कहते हैं कि जब आप बिला वजह स्ट्रेस लेते हैं तो आपकी बॉडी कुछ ऐसे केमिकल्स रिलीज करती है जो कि पॉइजनस होते हैं, आपके बॉडी सेल्स को डैमेज करते हैं। और इसके बरक्स अगर आप खुशो खुर्रम रहते हैं, आप यानी फिक्रों से आज़ाद रहने की कोशिश करते हैं तो आपकी बॉडी में ऐसे केमिकल रिलीज होते हैं जो आपकी बॉडी की को हीलिंग में मदद देते हैं, पेन रिलीफ में मदद देते हैं। और इस लिहाज से मैं यही कहूँगा कि स्ट्रेस से हमें बचना चाहिए, ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है। लेकिन किस तरह बचना चाहिए, जिससे भी बात करें, किसी से भी बात करें तो आजकल हर इंसान आपको मतलब परेशान नज़र आता है, वो जी मुझे ये टेंशन है। इवन आप एक छोटे बच्चे से भी बात कर लें जो मतलब थोड़ा सा बड़ा हो, बात करने के काबिल हो, उसको जी स्टडी की टेंशन है, मतलब लोग इससे किस तरह। ये देखिए गुजरते वक्त के साथ स्ट्रेस जो है उसमें इजाफा हुआ है और जो स्ट्रेसर्स हैं यानी वो चीज़ें जो स्ट्रेस कॉज करती हैं लोगों की लाइफ में, उसमें इजाफा हुआ है और उसके नतीजे में लोग ज़्यादा मुतफक्कर रहते हैं। पुराने ज़माने में शायद लोग इतने परेशान नहीं होते थे, इतने मुतफक्कर नहीं होते थे जी, क्योंकि मुझे यहाँ तक याद है कि जो जिस एज में हम लोग अभी बिल्कुल टेंशन फ्री होते थे, हमें होता था कि ये जो ये टेंशन होती कि हमें उस चीज़ का पता भी नहीं था। जी तो नादिया, जो आप सवाल पूछ रही थी मुझसे डी फॉर्म में दाखिल होने से पहले कि लाइफ में जो स्ट्रेसर्स हैं वो बहुत बढ़ गए हैं और हर शख्स जो है वो एक एंजाइटी किसी कैफियत में है, तशन्नुज की कैफियत में है
और इवन बच्चे जो हैं वो किसी हद तक एंग्जाइटी में मुब्तला है। तो आपकी बात में बिल्कुल बड़ी सदाकत है। मैं ये समझता हूँ कि इसके पीछे जो मेन रीज़न है वो हमारे सोशल सिस्टम में बड़ी तेज़ी से तब्दीलियाँ आई हैं, और वो चीज़ें जो पहले जो बच्चे हैं जब हम छोटे थे तो हमें इल्म भी नहीं होता था, आज के बच्चों को वो भी चीज़ों का इल्म है, उन आसाइशों का इल्म है लाइफ में, जो कि अमीर लोगों का सिर्फ खासा है। उससे इंट्रोडक्शन जो है वो अब आम लोगों के बच्चों की भी हो गई है। तो मेरी नज़र में इसका जो मेन हल है वो ये है कि तो पेरेंट्स अपने बच्चों को गाइड करें और उन्हें बताएं अपनी जो उनकी सही जो मुआशी स्टैंडिंग है, सोशल स्टैंडिंग, उसके बारे में आगाह रखें। हमें कभी भी नहीं चाहिए कि अपने बच्चों को बड़ा बन के दिखाएं, जो हम नहीं हैं वो प्रिटेंड करने की कोशिश करें बच्चों के सामने। और बच्चों को भी यही सबक सिखाना चाहिए कि जो हमारी माली हैसियत है और माशी हैसियत है उसके अंदर हमें रहना चाहिए। और इसके लिए जो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि बहुत ज़्यादा अमीर कबीर लोगों के साथ ताल्लुक़ रखने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। जो आपके अपने जैसे रिश्तेदार हैं उनसे मिलें, उनसे मोहब्बत करें और आप देखें कि वो आपके साथ ज़्यादा मोहब्बत करेंगे, मोहब्बत का सलूक करेंगे। और इसके अलावा ये है कि जो भेजा शॉपिंग है उससे ग्रेज करें, भेजा अखराजात जो हैं उनसे बचें, कनाट की ज़िंदगी गुजारें। और अभी तो देखें दुनिया में एक सोच जो है वो डेवलप हो रही है जिसे मिनिमलिस्ट सोच कहते हैं। जो मिनिमलिस्ट थ्योरी है उसके मुताबिक ये है कि जी आप कम से कम मालो असबाब जो है उसके साथ जो है अपनी ज़िंदगी जो है वो गुजारें। तो स्ट्रेसर से बचना चाहिए और एक्सरसाइज, जैसा कि मैं बता रहा था, अगर आप जॉगिंग ट्रैक पे या वॉकिंग ट्रैक पे चलते हैं और पसीना बहाते हैं तो आप यकीन करें कि आधे से ज़्यादा स्ट्रेसर जो है आपके दिमाग के प्रॉब्लम जो है ना वो हल हो जाते हैं। अब मैं अक्सर अपने दोस्तों से कहता होता हूँ कि जी दुनिया की 50% कम से कम 50% बीमारियों का, चाहे वो जहनी बीमारियाँ हों, चाहे वो जिस्मानी बीमारियाँ हों, चाहे वो रूहानी बीमारियाँ हों, उसका इलाज जो है ना वो वॉक शुरू कर देने में। आप वॉकिंग ट्रैक या जॉगिंग ट्रैक पर चढ़ जाएं, आप वॉकिंग शूज़ पहन लें और चलना शुरू कर दें तो आप देखेंगे कि आपकी बहुत सारे जो मसाइल हैं वो खुद से खुद जो है वो हल होना शुरू हो जाएंगे। तो ये आज की मुख्तसर सी गुफ्तगू थी। और अब वापसी का सफ़र इख्तियार किया हमने घर का, तो आप लोगों से अब इजाज़त चाहेंगे। अल्लाह आपका हामी और नासर हो, सेहतमंद रहें, चलते फिरते रहें, एक्टिव लाइफ गुजारें और अपने जैसे लोगों को दोस्त बनाएं, अपने जैसे लोगों से मुलाकात रखें, बहुत ज़्यादा अमीरों की सोहबत से बचें। अल्लाह पाक आपको अपनी अमान में रखें। खुदा हाफिज़।